I am Mayank Sharma. Today I am with these five titles. Let's start. Hello and welcome back. Today I am again with these interesting titles. These five titles are used in our social life when we are writing a letter, when we are addressing to somebody. In our social life, daily we use these five titles. These are very important titles. Understood? Now we have to understand how to use, where to use, and how to pronounce. Understood? बहुत ही important चीज़ है, बहुत important titles है. Master, Mr, Mrs, Miss and Miss. सबसे पहले हम लोग इनका pronunciation देखेंगे with phonetic transcription. Master इसको इस तरह से लिखते हैं phonetic transcription में. Mr, Mr को इस तरह से लिखता हूँ, Mr ही बोलते हैं उसको. ये है Mrs, M, Mrs, M R S को कैसे बोलते हैं? Mrs. और बहुत जो है अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं मिसेज मिसेज मिसेज, ऐसा नहीं होता कभी भी यार, इतना मिसेज होता है. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ही मिसेज, एक ही साउंड है, दो जगह एक ही साउंड है, शॉर्ट साउंड. इसके बाद मिस, एम आई एस, एंड लास्ट वन एम एस, इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? मिस. ये तो हुई प्रोनाउंसिएशन की बात. अब हम लोग इनके दो यूज डिस्कस करेंगे, एक तो जनरल यूज और एक स्पेसिफिक यूज. अंडरस्टूड? पहले हम लोग जनरल यूज की बात करते हैं. जनरल यूज कहाँ होता है सबका? ये सारे के सारे जितने भी टाइटल्स हैं ये सब सरनेम या फिर फैमिली नेम के साथ यूज होते हैं. कहने का मतलब यह है कि सिर्फ फर्स्ट नेम के साथ इनका यूज हमें कभी भी नहीं करना, अदरवाइज इट विल बी इरिटेटिंग सिचुएशन. अंडरस्टूड? हमें से याद रखो कि सरनेम जरूरी है या फिर फैमिली नेम जरूरी है. देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है, इट्स अ रॉन्ग. करेक्ट क्या होगा? मिस्टर रमेश शर्मा और मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, बोथ आर करेक्ट. व्हाई बोथ आर करेक्ट? बिकॉज इन दिस रमेश शर्मा हियर शर्मा इज एडेड, और शर्मा क्या है? फैमिली नेम और सरनेम है, और जब फैमिली नेम और सरनेम जब ऐड हो जाता है फर्स्ट नेम के साथ तो दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. अंडरस्टूड? दैट इज द करेक्ट. मिस्टर शर्मा ये बिल्कुल करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर सरनेम, मतलब सरनेम या फैमिली नेम बहुत जरूरी है. फर्स्ट नेम के साथ हम कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते. मिस्टर रमेश यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट नेम है, मिस्टर मैन इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, इट्स कम्प्लीटली इरिटेटिंग टू द लिसनर. इट्स क्लियर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है, सारे के सारे ये सब सरनेम या फिर फैमिली नेम के साथ यूज होते हैं. अब आइएगा स्पेसिफिक यूज. स्पेसिफिक यूज विशिष्ट यूज. स्पेसिफिक यूज कहाँ है? मास्टर, ये हमेशा फॉर बॉयज, इनके साथ यूज होता है, लड़कों के साथ ये यूज होता है. इसके बाद मिस्टर, मिस्टर फॉर यंग एंड ओल्ड, मैरिड और अनमैरिड, मेल दोनों के साथ, चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, इट डजंट मैटर वेदर ही इज मैरिड और अनमैरिड. अंडरस्टूड? मिस्टर. इसके बाद मिसेज, ये सिर्फ मैरिड के लिए यूज होता है, मैरिड वुमन, मैरिड वुमन. नेक्स्ट वन मिस, ये मिस जो है टाइटल अनमैरिड फीमेल के लिए होता है, अनमैरिड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? सुश्री, सुश्री. नेक्स्ट वन एम एस, मिच, और ये मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए यूज होता है. और कई बार आपको पता है कि न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टर इसी टाइटल का यूज करते हैं, मिच का. क्यों? क्योंकि ये ट्रिकियर एक्सप्रेशन है, ये ट्रिकियर टाइटल है. अंडरस्टूड? इससे हमें सेफ रहता है, हमें पता नहीं है कि वेदर सी इज मैरिड और अनमैरिड, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इसका यूज करना है मिस का. और कई बार होता है कि वुमन जो है मैरिटल स्टेटस रिवील नहीं करना चाहती, तो वो क्या यूज करती है? मिस. अंडरस्टूड? मिस, ये कॉमन है, ये मैरिड भी हो सकता है और अनमैरिड भी हो, इसके लिए दोनों के लिए यूज होता है मिस. अब देखिए एक मिस, मिस आपको पता है, याद कर सकते हैं कि मिस का एक और यूज होता है जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है और उसमें जो विनर है उसके साथ भी हम लोग मिस यूज करते हैं, मिस टाइटल देते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स. आया यार, जब भी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो और उसमें विनर हो उसके साथ हमेशा हम लोग किसका यूज करते हैं? मिस का यूज करते हैं. समझ में आ रहा है पूरा? बहुत ही मैंने इसी तरीके से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है, और आपका कन्फ्यूजन जो हो सकता आप लगता है ये बिल्कुल दूर हो गया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.